across all the lines of all the solutions, costumes, everybody has got together. There are about 20 film bodies who have got together here. They are on the street today with a very clear-cut message. And that message is that we have to do our work. इस कानून के दायरे में, इस कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आज कॉन्स्टिट्यूशन डे भी है और हमें मारने की धमकी, पीटने की धमकी, गला काटने की धमकी, नाक काटने की धमकी ये देना बंद करें, क्योंकि हम लोग क्रिएटिव लोग हैं, हम गुंडागर्दी नहीं कर सकते, हम सड़कों पे आके मारपीट नहीं कर सकते हैं। जो है वो बहुत बड़ी है। जितना आप इज्जत करते हैं हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को इस देश में, जितना आप रिस्पेक्ट करते हो इस देश के अस्मिता पे या डिग्निटी पे, उतना ही सारी की सारी इंडस्ट्री जो है, हम जो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम उतनी इज्जत करते हैं। तो एक रोष है हमारा, एक दर्द है हम लोगों का, और ये सिर्फ पद्मावती और संजय लीला भंसाली की बात नहीं है। हर तीन महीने में हमारी इंडस्ट्री के लोगों पर अटैक होता है। इसके पहले हिंदू सरकार पे हुआ, उसके पहले एजिले मुश्किल पे हुआ। तो जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी लोग जो है हमारी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन लोगों के घर चलते हैं। इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ 5-10 बड़े नाम नहीं है, 5-10 बड़े स्टार नहीं है, 5-10 बड़े डायरेक्टर नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में जो कॉस्ट्यूम बनाता है, जो जूनियर आर्टिस्ट की पूरी कॉम है, जो पूरी फौज है, जो क्रिएटिव दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं, आर्ट डायरेक्टर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, स्पॉट बॉयज हैं, ये सारे लोग जो हैं इंडस्ट्री का फैक्शन है। आपको हमारे घर पे घुस के हमें मारने का कोई हक नहीं है। यू हैव नो राइट टू डू दैट। आपको अगर प्रॉब्लम है हमारे काम से, कोर्ट जाइए और स्टे ऑर्डर ले आइए। आप डायरेक्टली हम पे अटैक नहीं कर सकते, आप हमारी इंटेलिजेंस पे सवाल नहीं उठा सकते, आप हमारे हमारे देश के प्रति प्यार को उस पर सवाल नहीं उठा सकते। अगर आपकी प्रॉब्लम है, आप कोर्ट जाइए और कोर्ट जाके अपने अपनी चीज़ को सामने रखिए, और कोर्ट अगर बैन करेगा तो फिर हमारे पास ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आपके अगेंस्ट जजमेंट दिया है। सारी इंडस्ट्री चीख रही है, चिल्ला रही है कि आप हम पे क्यों अटैक कर रहे हैं, रोज़ धमकी आ रही है हमको। तो एक रिक्वेस्ट है, हम यहाँ पर किसी के अगेंस्ट कंप्लेन करने नहीं आए, जमा नहीं हुए। हम अपने दुख को, अपने रोष को प्रकट करने के लिए आज यहाँ जमा है। चुपचाप हम आज 26/11 है, आज के जो हमारे मार्टेज हैं हम उनको ट्रिब्यूट पे करेंगे, हम नेशनल एंथम गाएंगे और अपील करेंगे सारे लोगों को प्यार मोहब्बत से कि हमें अपने हिसाब से अपना काम करने दीजिए। हाउ डज द बैन ऑन द पद्मावती इफेक्ट द फिल्म इंडस्ट्री? द एंटायर फिल्म इंडस्ट्री, आर इमोशंस आर ऑल राइज, ऑल दिस पीपल स्टैंडिंग हियर, दे इट्स एन अटैक ऑन द हाउस, इट्स एन अटैक ऑन देयर इनकम, इट्स बिकॉज दे ऑल हैव वर्कड ऑन दिस फिल्म। संजय लीला भंसालीज प्रोडक्शन एंड अदर बिग प्रोडक्शंस take care of lakhs and lakhs of people, workers in this industry. We all call ourselves workers. Even the director is a worker, even a costume designer is a worker, actors are workers in this industry. So you don't have the right to take away my right to live, my right to earn, and my right to work. Today is also Constitution Day, so let us all respect the Constitution and allow us to work as per the constitution of this country.